नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो बड़ा क्विक होगा, दो पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, थोड़ा सा आप ध्यान देना उसके ऊपर। सबसे पहले बात करूंगा मार्केट डेप्थ की। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितने इसका यूज करते हो, कितना यूज नहीं करते हो, मगर आप मैं इसका आपको फायदा बताता हूँ। जो मुझे मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो नए लोग हैं, जो बिल्कुल मार्केट में अभी आए हैं, या फिर मुझे लगता है कि जो लोग मार्केट में एक दो साल से हैं मगर वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इसको यूज नहीं करते होंगे। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि इसका जो है सो पहले मेरे को भी लगता था कि यार क्या फालतू चीज है, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको मार्केट का व्यू बताता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा जो है सो किस तरफ का झुकाव है। अब जैसे कि यहाँ बिड प्राइस है और यहाँ पर ऑफर प्राइस है, बिड मतलब बायर और ऑफर मतलब सेलर। अब यहाँ पर देखिए, नीचे टोटल हमेशा दिखाता है कि जैसे यहाँ पर 1,07,400 शेयर, मतलब जो यहाँ पर जो इक्विटी है, शेयर्स है, सॉरी इक्विटी कह रहा हूँ मैं, मतलब शेयर्स कह रहा हूँ, उनके लिए देखो बाय का बिड है और सेल का बिड जो है सिर्फ 85,475 है। ये क्या बताता है हमें ले देकर के कि मार्केट के अंदर एक बाइंग का ज्यादा रुख है, सेलर कम है, बायर ज्यादा है। दूसरी बात यहाँ पर आपको बताते हैं, ये पता चलता है कि किस किस स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब फ्यूचर के किस किस, ये किसी में भी मिलेगा आपको, ऑप्शन में भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा, किसी भी स्टॉक्स में मिलेगा, हर वो इंस्ट्रूमेंट में मिलेगा ये मार्केट डेप्थ जो कि बाय और सेल हो सकता है। ठीक है, तो ये बताता है कि जो सबसे ज्यादा झुकाव किस तरफ का है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए यहाँ पर भी ये ओआई बताता है, आपको जो है सो ऑप्शन चेन देखने की भी जरूरत नहीं है, आप फ्यूचर का भी ओआई जो है सो नोट करते रहिए, इसको पता चलेगा कि आपको कि 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट पहले क्या था, फिर 15 मिनट के बाद क्या हो गया, फिर 15 मिनट के बाद क्या हो गया, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर जैसे बायर की तरफ यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है और ये ओआई भी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि डेफिनेटली जो है सो बायर की साइड पर नए नए पोजिशन बिल्ड हो रही है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार अगर यूज करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा जरूर फायदा होगा। फायदा इन द सेंस कि एक रुख पता चलेगा कि मार्केट का जो रुख है, जो झुकाव है, वो किस तरफ है। दूसरी चीज उनके लिए है कि जो लोग पोजिशनल करते हैं, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, ये मुझे आइडिया क्यों आया, एक मेरा दोस्त है वो ऑप्शन सेलर है और वो एक एक लॉट में काम करता है, वो एक बहुत बड़ा एक रेंज बनाता है 500 या 700 पॉइंट का और ऊपर का सी और नीचे का पीई वो सेल कर देता है। लास्ट टाइम आप सबको याद होगा कि एक 800 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट हो गया था एक दिन, उस 800 पॉइंट में उसको जो है 32,000 रुपए का लॉस हो गया। अब क्योंकि हमें एक चीज और पता है कि जैसे जब से लिक्विडिटी कम हुई है तब से क्या हुआ है कि प्रीमियम नहीं मिलता है, वो बेचारा जो है सो 50-60-70 पॉइंट का ऊपर का सी सेल करता है, 40-50-60 पॉइंट का पी सेल करता है, तो वो दोनों मिलाकर के बहुत होता है तो 100-105-110 रुपए का उसको प्रीमियम रिसीव होता है। अब उसके एवज में उस बेचारे को 32,000 रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस हुआ तो उसने मुझे बोला यार कि इसको कैसे कवर किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि वो जो है सो अपना काम करने में व्यस्त है और पता चला कि मार्केट तो सही खुला अपनी जगह पे फ्लैट, पर वो जो है सो एक तरफा हो गया, बिल्कुल ही ट्रेंडिंग हो गया मार्केट एक तरफ को, तो उससे कैसे बचा जाए। तो वो मैं बताता हूँ, जब भी आप जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप खरीदते हैं, बाय करते हैं, यहाँ पर ओवरनाइट करते हैं, ओवरनाइट करने के बाद देखिए यहाँ पर ना एक GTT ऑर्डर का ऑप्शन आता है जहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का ऑप्शन आता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने उसको भी बताया तो वो बिल्कुल इस चीज को फॉलो करता है। मेरी आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई पोजिशनल लें, खास करके ऑप्शन सेलिंग करें या फिर फ्यूचर बाय या सेल करें या फिर स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं, यहां पर क्या करें कि उसको जो है सो अपना एक जो भी अमाउंट पे आप खरीदते हैं उसका परसेंटेज आप निकालें कि भाई जैसे अगर 10,000 रुपये का मैंने इंस्ट्रूमेंट खरीदा है उसका मैं सिर्फ 1,000 या 2,000 रुपये, मतलब मैं 1,000 रुपये लॉस ले सकता हूँ, तो यहाँ पर आप 10% उसको कर दीजिए लॉस। टारगेट आप लगाएं या नहीं लगाएं वो आपकी मर्जी, मगर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है ताकि मार्केट कभी अगर फ्लैट खुला और मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, आपके अगेंस्ट जाने लग गया, तो कम से कम ये होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि आप टारगेट भी लगा कर रखिए। टारगेट कैसे लगाइए, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी, जैसे आपने अगर 10% का ऐसा ले लिया या 25-30-40% का एक टारगेट लगा कर रखिए, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं है, पता चले कि वो आपके लेवल को छू के तुरंत वापस आ जाए, तो अगर आपने टारगेट लगाया होगा तो कम से कम ये होगा कि वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं था, जो हमने कभी सोचा नहीं था। दूसरी बात बताता हूँ, GTT ऑर्डर जो होता है वो 1 साल तक 365 दिन तक वैलिड होता है, तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका एक बार लगाया तो ये आपका ऑर्डर आपको रोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो चीजें थी जो आपको मुझे बतानी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को कुछ फायदा होगा, और अगर होगा तो आप प्लीज
कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।